सरकार तो सरकार, सरकार के नुमाइंदे भी जनता को ठगने और लूटने से बाज नहीं आ रहे। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। पटवारी हो या अधिकारी, रिश्वत के पैसों से अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। ऐसी खबरें रोजाना अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब रसोई में लगने वाले सिलेंडर में भी गैस की जगह पानी आने लग गया। अब इससे अधिक भ्रष्टाचार की हदें और क्या पार होंगी। गुरुवार को रामनगर इलाके में चंद्रायन गैस एजेंसी से उपभोक्ता दिनेश प्रजापति ने लिया गया सिलेंडर लगाया तो उसमें पानी भरा हुआ था। महीने भर तक चलने वाली गैस चंद दिनों में खत्म हो गई, तो उपभोक्ता ने सिलेंडर को जांचा जिसमें गैस की जगह पानी भरा मिला। उपभोक्ता ने कई बार गैस एजेंसी को इस बारे में शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन एजेंसी ने कार्रवाई करना उचित ही नहीं समझा। आखिर मीडिया को इस गोरख धंधे की जानकारी देकर आम लोगों को जागरूक करने में ही भलाई समझी। हम गैस मंगाते हैं, गैस के अंदर पानी आता है। जब एक टंकी हमारे को कम से कम एक महीना चलती है, उसके बाद 10 दिन टंकी चली, उसके बाद सुसु करने की आवाज आ गई, उसमें पानी भरा हुआ, फिर हमारा खाना अधूरा रह गया। और फिर गैस वाले को कंप्लेन करी चंद्रायन वाले को, तो उन्होंने बोला कि भाई मतलब करवा देंगे, और वो आए और फिर वापस करके भी नहीं गए और ना वापस लेके गए। उसमें आधे से ऊपर पानी भरा है। अभी निकाल के देखा, सबने देखा उसमें पानी निकला। ये सिलेंडर अभी 10 दिन पहले मंगाया था, तो जब अभी पास में शादी थी तो वहाँ दिया था, तो उसमें क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने चलाया था, उसके बाद में जो है थोड़े दिन बाद में वापस इसके अंदर पानी निकलने लग गया। अभी पानी मैंने निकाल के दिखाया आपको, और टोटली पानी रहता है। कभी कभी कभार तो ये स्थिति होती है कि सिलेंडर जो है बहुत ही कम, मतलब 15 किलो का होता है, तो ये तो 12 आता है, ये होता है, और पानी इतना आता है पूछो ही मत। हमेशा अभी करी थी, शिकायत भी करी थी, बोला भी था, तो वो सेल्समैन आया था, तो उसने जो टंकी दे दी थी, तो वापस जब वापस दोबारा गए तो वो तो यही बोले कि हम आ जाओ और ले जाओ। पहले बिजली और अब पानी की पाइपलाइन के लिए खोदी जा रही सड़कें आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। गुरुवार को पुष्कर रोड से नागफनी तिराहे पर जेसीबी मशीन द्वारा की जा रही सड़क की खुदाई और कायस्थ स्मशान स्थल पर हो रहे दाह संस्कार में आए वीआईपी लोगों के सड़क पर खड़े वाहनों के चलते पुष्कर रोड पर लगभग 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम में घंटों तक फंसे शहरवासियों का आरोप है कि इन दिनों शहर के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। शहर की हर सड़क पर खुदाई और अतिक्रमण की वजह से जाम की घटनाएं आम हो चली हैं। लोगों को रोजाना कहीं न कहीं घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ता है, जिसके कारण बच्चों को स्कूल और युवाओं को नौकरी पर पहुंचने में देरी के साथ कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चटाईगंज की जो चढ़ाई है, चढ़ाई से लेकर के और यहां तक करंट वाले बालाजी तक बिल्कुल हालत खराब है। 1 घंटा मुझे निकलने में लगा। यहाँ हर बार का है, ये तो हर दूसरे रोज होता है नाटक। प्रशासन कुछ करता ही नहीं है इसके लिए। प्रशासन जो अगर कुछ कर ले तो है ना, ये हो ही नहीं रोजाना का। एक तरफा यातायात होते हुए भी एक तरफा यातायात को चलाते नहीं है ये लोग क्या। और शमशान भूमि के सामने थोड़ा सा अगर कट और थोड़ा बढ़ाते रोड को तो है ना, अपने आप ही है ना रोड जाम नहीं होता। आम लोगों को हो रही इन परेशानियों से जिला प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि सरकारी विभाग चाहे बिजली हो या पानी अपनी अपनी मनमानी करने में लगे हैं। ये शमशान रोड है, यहाँ पे क्या है कि वीआईपी जो आदमी आते हैं और इनकी गाड़ियां ना आड़ी टेढ़ी खड़ी कर देते, उससे जाम हो जाता है ये रास्ता, ये समझा। आगे कोई पाइपलाइन का काम भी चल रहा है और आगे भी काम चल रहा है, उससे भी ये कार्य रात को ही होना चाहिए जो सुबह चालू हो जाता है, इससे जनता परेशान होती है। इसको 1 घंटे से ऊपर हो गया जाम होता है। ये लग रहा है घाटी से लेके पुलिस चौकी तक रोज का, ये रोज का नहीं, एक दूसरे वीआईपी शमशान के यहाँ जब भी वीआईपी जो आ जाते हैं उसकी वजह से और कुछ सड़कों का कार्य चल रहा है। ये मेन पुष्कर रोड है भाई साहब, यहाँ रोज जाम लगता है और अभी तो एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, कोई व्यवस्था नहीं है ढंग की बिल्कुल ही। यहाँ आगे पाइपलाइन की खुदाई चल रही है, इस चक्कर में रोज बसों का जाम लगता है, स्कूल के बच्चे जाम में फंसे रहते हैं, कोई पता नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है ढंग की।